डीआरडीओ ने शुक्रवार यानी कि 27 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। टेस्ट में क्या नतीजे आए उसके बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है। वैसे आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार के मायनों को समझा जाए तो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला यह हथियार है। इन हथियारों की हवा में रफ्तार 6126 से 12252 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। अगर ये समंदर से थोड़ा ही ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं तो इस पर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हथियार है क्या। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियारों पर काम कर रहा है, इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। पिछली बार HSTDV का परीक्षण 20 सेकेंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है।